इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो जिसकी स्थिति आप सबको पता है, आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद से आपने एक चीज देखी है, सिर्फ एक बार सरकार की तरफ से बयान आया है, एक बार आया कि सही मानों में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अब हुआ है। लेकिन सरकार कहती या नहीं कहती, जो राजनीतिक दल 70 साल से कह रहे थे और लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अभिन्न अंग है या नहीं है, लेकिन बगैर कहे पूरे देश ने अपना एक्सप्रेशन दे दिया कि सही मानों में अब हुआ है। लेकिन जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम जब देश भर में ये बता रहे थे, तो जो हमारे सीनियर साथी थे, मैं उनसे बार बार ये कहता था कि यार 37-35 पे भी हटा देना ही अगर, तो भी काम हो जाएगा, हमें इतने पर ही सबर था। अब जैसे गुजरातियों की आदत है कि खाना जो है वो दिन में 3-4 बार खिलाते हैं, मैंने अभी सार्वजनिक सभा में बड़ौदा में कहा कि हम तो जम्मू कश्मीर में किराए का कमरा मांग रहे थे मोदी से, हमें नहीं पता था वो पूरा मकान ही हमें दे देंगे। क्योंकि 370 और 35 पे हटने से के अलावा जो दूसरा काम हुआ है वो इन धाराओं के हटने से बड़ा काम हुआ है। अगर ये दोनों धारा हट जाती तो सिर्फ इतना ही होना था कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो डस्टबिन में चला गया। अब दो नागरिकताओं की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही नागरिकता होगी। पहले वहां प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए। अब वहां जो सिस्टम था, जो एपरेटस था, जिसके तहत आजाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत के अंदर एक सूबे को, एक राज्य को इस्लामिक राज्य बना दिया था, सारे कानून उसी किस्म के थे, सारे आदेश इसी किस्म के थे कि उस राज्य में एक्सक्लूसिव सिर्फ मुसलमानों को रहने का अधिकार है, और जो कानून भी बनेंगे तो वो मुसलमान को ध्यान में रख के बनेंगे। वहां जम्मू भी था, वहां लद्दाख भी था। लेकिन क्योंकि मैं नजदीक से चीजों को देख रहा हूं, इसलिए बार बार आप सबसे भी कहता हूं कि अगर ये धारा हट जाती और ये राज्य रहता, तो वो जो एपरेटस था एंटी इंडिया और एंटी हिंदू, वो नहीं टूटता। इसको यूनियन टेरिटरी बनाने से वो जो सिस्टम 70 साल में बनाया था वो सिस्टम टूट गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि लद्दाख अलग भी कर दिया था, तो लद्दाख तो 4 सीटें थी बिचारों की विधानसभा में, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये दो फ्रॉड परिवार के लोग ही रहते, सत्ता तो इन्हीं के हाथ में रहती। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद ये हो गया कि जम्मू और कश्मीर की पुलिस और जमीन अमित शाह के हाथ में है। संवैधानिक तौर पर यूनियन टेरिटरी में पूरी जमीन और पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। तो जिस जमीन पे ना तो मनमोहन सिंह और ना नरेंद्र मोदी 2 गज जमीन खरीद सकते थे, तो हमारी आपकी तो बात ही अलग है। आज उस पूरी जमीन पे भारत सरकार का चप्पे चप्पे पे कब्जा है, और वो जो पुलिस का एपरेटस था, जिस एपरेटस के अंदर अगर गलती से कोई प्रो इंडिया पुलिस वाला भी होता था, जो भारत राष्ट्र और भारत सरकार के प्रति उसकी निष्ठा होती थी, उसको भी मार दिया जाता था। जिस तरीके से भर्तियां होती थी, उस सब का आपको अंदाजा है। 31 अक्टूबर को
एक और गुजरात के महान योद्धा, उनका जन्मदिन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब कहते हैं कि जब उसके घर की ताकत किसी के पीछे खड़ी होती है वो आदमी लड़ते वक्त चिंता नहीं करता कभी। पूरा देश जिस पर्पस से आपने 282 से 303 पहुंचाया इसका अंदाजा है उसको। इसलिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि अब किसको पटेल के नाम से चिढ़ है या अमित शाह के नाम से चिढ़ है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सीधे तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आ जाएगा ताकि वो नस्लें याद रखें कि 70 साल तक जिस पटेल को तुमने गाली दी है, 70 साल तक तुमने जिन राष्ट्रभक्तों को गाली दी है, उस 370 और 35 एके होने के बावजूद इस कानून के लागू होने तक 41,750 लोगों की हत्याएं हुई हैं, हजारों पुलिस और सेना के लोग मारे गए हैं। कोई पूरे देश में ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के अंदर उस देश के अपने लोग अपनी सेना को पत्थरों से मार दें। लिहाजा गुजरात खासतौर से और पूरा भारत इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय और अंदरूनी जो दुश्मन आपको सुबह से शाम नजर आ रहे हैं, कोई ढाई लाख की रैली निकाल रहा है बांग्लादेश में, कोई पाकिस्तान सऊदी अरब के पास जा रहा है, वो तमाम सारी ताकतें जिनका 35A 370 से एक वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, वो विदेश की थी लेकिन इंटरेस्ट उनका जुड़ा हुआ था, वो जिस तरीके से बाहर निकली है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह काम आसान नहीं था। लेकिन अब यह हो गया है, अब आप लोग डल लेक में घूमने जाएं, लेकिन गुजरात के लोग खासतौर से, क्योंकि मैंने सुना है कि आप चेंज कम लेके चलते हैं, कार्ड आपके पास ज्यादा होते हैं, आप जाएं घूमें अगर अच्छा लगे तो कोई जमीन 100 गज का टुकड़ा भी वहां खरीद ले जाए, क्योंकि गुजरात के लोग चल के मुंबई आ सकते हैं, गुजरात के लोग चल के दुनिया के किसी हिस्से में अमेरिका जा सकते हैं। आप आधे से ज्यादा अमेरिका की हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री चला रहे हैं, वहां बड़ा अच्छा माहौल है, कुछ वहां भी करिए। अभी तो दो गुजरातियों ने पार्लियामेंट से बोला है तब ये हाल है, दो चार बस गए तो पता नहीं क्या होगा। तो ये कल का भारत था, कल का कश्मीर था, लेकिन आज के कश्मीर की मैंने आपको जो बताया है कि ये स्थिति होने वाली है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं, अब उसमें कोई विवाद नहीं है। और जब आप बदलते हैं, जब आप निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, जब छोटी छोटी जातियों में, जब छोटी छोटी भाषाओं से, जब बहुत छोटे छोटे एजेंडों के साथ आप देश में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो 70 साल से जो सरकारें थी वो मेरे और आपके वोट से ही थी। ऐसा नहीं हुआ कि 2014 में कुछ बाहर से राष्ट्रवादी आए और उन्होंने वोट दिया है। आपको भी अपने होने का एहसास, यह खासतौर से गुजरात के लोगों को 1947 के प्राश्चित का मौका पूरा मिला और आपने उसको बदलने में देर नहीं की, 15 साल की ट्रेनिंग दी और फिर दिल्ली भेज दिया। बहुत विवाद हुआ पार्टी में, ये क्यों? बोले कि यही एक आदमी हमारे पास ट्रस्टेड है जिसने सारे ट्रायल पास कर लिए, यहां काम हो चुका है, यहां तो आप दूसरे रूपानी जी काम चला लेंगे लेकिन जरूरत दिल्ली में है, वो दिल्ली चले गए। कुल मिलाकर के 23 मई को जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने जिन लोग जीते हैं उनको इस बात का एहसास है कि ये वोट जो है सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है,
सड़क पहले भी बन रही थी, अभी भी बन रही है, बनती रहेंगी सड़कें। अभी तो गुजरात में था, बारिश से खराब हो गई है, फिर बन जाएंगी। लेकिन इस बात का उनको पूरे तौर से अंदाजा था कि आसाम से लेकर के चारों कोनों तक लोगों ने किसी और काम के लिए वोट दिया है।